नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पोखरियाल। चलिए ले चलते हैं आपको जसपुर की ओर। जिला उधम सिंह नगर में जसपुर क्षेत्र में वन विभाग की पतरामपुर रेंज में अंतर्गत बीती देर रात गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जान मान हानि नहीं हुई। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन गुलदार के हमले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ महीने पहले गुलदार के हमले में एक बच्ची की जान भी चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी वन विभाग चुप्पी साधे पड़ा है। वहीं वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद भी वन विभाग चुप्पी साधे पड़ा है। शायद विभाग को फिर किसी नए बड़े हादसे का इंतज़ार है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। धन्यवाद। ना ना ना, भजन तो मैं पकड़ लिया था। किसी के बजाय हाथ आ गया। मांस ले ले पर छोटा ये लड़का भी अब काम से भी बैठ गए। अरे कुत्ते कुत्ते हरा ना इसे। कुत्ते यार ये तो भगवाले हैं ना, ये कुत्ते कुत्ते के चक्कर में तो आता हो लपट यार। कुत्ते कुत्ते नहीं होने ये तो हटाने चाहिए। हैं ये तो पतरामपुर क्षेत्र में छत ये जो कई सारे गांव हैं, इसमें मिलक सीप का है, सीप का है, पतरामपुर क्षेत्र है। इसमें पिछले 1-1.5 साल से जो है गुलदार का आतंक जो है वो भयभीत चला आ रहा है। पीछे कुछ दिन के लिए ये जो है घटना जो है कम हुई थी, लेकिन अभी जो है 1.5 महीने के अंदर फिर जो है इसने एक पतरामपुर के आदमी शमशाद हुसैन पर हमला किया था। तो जो है उसको उसका इलाज वलाज करा के विभाग द्वारा जो है उसको आर्थिक सहायता के लिए विभाग को लिखा गया है। और इसमें कल रात्रि जो है करीब शाम को 3:30-6 बजे के करीब जो है एक पतरामपुर निवासी लेबर है, वो मेन रोड पर पतरामपुर जसपुर मेन रोड पर जा रहा था, तो अचानक गन्ने के खेत में से गुलदार आया, उसको झपटा, उसको जो है गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके तुरंत बाद जो है 10-15 मिनट बाद ही जो है दूसरा एक पतरामपुर के वर्कशॉप मालिक हैं लखा सिंह, जोगा सिंह, वो जो है अपनी बाइक से अपने घर को दुकान बंद करके जा रहे थे, तो उनके ऊपर भी जो है इसने अटैक किया है। उनके भी जो है चोट हैं, पैर में भी, घुटने में भी, और जो गंभीर रूप से घायल था उसको जो है हमने सरकारी अस्पताल ले जाकर जो है उसका उपचार कराया है, और उसे जो है आर्थिक सहायता के लिए जो है विभाग द्वारा दिया जाएगा, और उच्च अधिकारियों को मेरे द्वारा जो है सूचित करा दिया गया है। और विभाग से अभी जो है कोई आदेश निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन तत्पर जो पिंजरा था हमारे दक्षिण जसपुर रेंज में रखा हुआ, जनता की मांग पर जो है मैंने वो पिंजरा घटनास्थल, रात की जो घटनास्थल थी उस पर जो है लगा दिया है।